Hi, this is World of Bollywood, and I am Joanna. And over the next half hour, you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinsel Town. So sit back and enjoy everything from the kicks and slips and all the pot bowling chatter, and everything from the hottest parties to the most scandalous moments in the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. शो की शुरुआत करेंगे कॉमेडी नाइट्स विद कपल में सिंघम रिटर्न्स को प्रमोट करने आए अजय देवगन और करीना की शो के कैरेक्टर्स के साथ फुल ऑन मस्ती से। एक अवार्ड्स नाइट के रेड कार्पेट पर आमिर के सेमी न्यूड पोस्टर ने बटोरी लाइमलाइट, तो वहीं ईशा गुप्ता दिखी कंफ्यूज्ड। किस कॉज को सपोर्ट करने के लिए अक्षय ने रखा फिल्म एंटरटेनमेंट के कैरेक्टर्स की कॉस्ट्यूम का ऑक्शन, बताएंगे एक स्पेशल स्टोरी में। वुमेन सेल्फ डिफेंस सेंटर पर आए अक्षय कुमार ने किया मार्शल आर्ट्स को जमकर सपोर्ट, और यहाँ अपनी फिल्म एंटरटेनमेंट के बारे में नहीं की कोई बात। सलमान के शाहरुख की तरफ बढ़े दोस्ती के हाथ का किंग खान ने भी दिया गरम जोशी से जवाब, फोकस करेंगे इन फोकस में। और क्या है मुग्धा गोडसे की लाइफ का क्रेजीएस्ट मोमेंट, वील फाइंड आउट ऑन द सेट्स ऑफ हर लेटेस्ट फिल्म। शुरुआत करते हैं कॉमेडी नाइट्स विद कपल में अपकमिंग फिल्म सिंघम रिटर्न्स को प्रमोट करने आए अजय देवगन और करीना की शो के कैरेक्टर्स के साथ फुल ऑन मस्ती से। टेक अ लुक। वतन के साथ धोखा ना अब माफ होगा, गरीबों और मजलूमों के साथ इंसाफ होगा, लौट आया है सिंघम सबकी रक्षा करने, अब देखना देश के दुश्मनों का पत्ता साफ होगा। एक बार अजय देवगन और करीना कपूर के लिए जोरदार तालियां। सर प्लीज आप यहां विराजमान हो जाइए। वैसे आपने अजय सर को करीना को बड़े पर्दे पे बहुत बार देखा है, लेकिन कॉमेडी नाइट्स में आज ये जोड़ी पहली बार आई है, तो सर बड़े सारे लोगों के मन में आपसे पूछने के लिए कुछ सवाल हैं। तो आप लोग एक एक करके अजय सर से करीना से सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? माय क्वेश्चन इज फॉर करीना मैम। जी तो आज जैसे कि आप जानते हो कि कॉमेडी नाइट्स विद कपल का 100 एपिसोड है, और क्योंकि आप कपिल सर की फेवरेट हो, तो क्यों क्यों ना आप कपिल सर के लिए एक गाना डेडिकेट करें प्लीज। प्लीज प्लीज कपिल, इट्स फॉर यू, बट आई विल डांस विद यू, बिकॉज़ क्योंकि मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। बहुत ज्यादा भला हो आपका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा करीना कपूर के साथ डांस कराया आपने। ये क्या मजाक है? अरे वाह 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 बेटा वाह वाह, ये तो कमाल की बात हो गई, यही चीज अक्षय कुमार करे तो स्टंट, मैं करूं तो मजाक है, वाह। देखिए मैं आपसे करीना ये आपको खाली बताना चाह रही हूँ, मैं आपको सूचित कर रही हूँ कि मैंने स्टंटमैन का काम शुरू कर दिया है। अच्छा? तो अब अगर आपकी फिल्म में आपको बॉडी डबल की जरूरत पड़े तो आई एम अवेलेबल। शरम बोकुड़ दाढ़ी शरम कर, अरे मुझे देखो, मैं कोरी चमड़ी, इतनी फेयर फ्लॉलेस स्किन है मेरा, यहाँ तक कि मेरे फीचर्स जो है वो इसके चाचा ऋषि कपूर से भी मिलते हैं। उसके बावजूद भी मेरी हिम्मत नहीं होती अपनी बराबरी करीना से करने की, इसकी हिम्मत देखो। सुना आपने सुना, इसने कहा मेरी हिम्मत नहीं होती, अब जिसकी हिम्मत नहीं होती वो स्टंटमैन कैसे बनेगी? स्टंटमैन कैसे बनूं? मैं बनूंगी स्टंटमैन, ये क्लियर हो गया 100%। अगर किसी को हक है स्टंटमैन बनने का, इट इज मी, ओनली मी। मैं बताती हूँ स्टंटमैन तू कैसे बनेगी। अरे देखो देखो मारो, एक मिनट रुक जा
अच्छा बस 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 अरे बस 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 अच्छा बस 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 क्या कर रहे हैं आप लोग बात ऐसे करती है गलत बात आज आप लोगों को खुश होना चाहिए आप लोगों का 100th एपिसोड है और आप लोग लड़ाई कर रहे हैं ठीक है आप कहते तो हम नहीं लड़ते नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि 100th एपिसोड है तो ऐसे मत लड़ो हवा में लड़ो या कुछ नया करो ना हवा में क्या बोलती बुड्ढी मैं ट्राई तो कर रहा हूँ पर उड़ूंगी कैसे अभी अभी उड़ाते हैं हवा भर के अभी अभी उनको उड़ाते हैं आप लेके आई जरा हवा से कहीं ऊपर ही ना उड़ ले हम लोग दोनों बुड्ढे वॉरियर्स तैयार हैं लड़ने के लिए चलो रेडी एक्शन विष्णु शर्मा अच्छा बस करो नीचे ले लो और देखो तुम लोग लड़ क्यों रहे हो आज आज 100वां एपिसोड दादी कोई डांस को गाना बाना होना चाहिए तुम लोग लड़े हवा में लटक के बेवकूफ कहीं की चल बुढ़िया ये बात तो सही है डांस को तो हमेशा से यार व्हेनेवर यू वांट ईशा गुप्ता डेजी शाह डिस्का चोपड़ा विपुल शाह फिल्मिस्तान की पूरी टीम वाणी कपूर एंड फ्यू अदर टीवी सेलिब्रिटीज वेल ये है एक मिड ईयर अवार्ड्स नाइट का रेड कार्पेट जहां सभी छोटे बड़े सेलेब्स इस अवार्ड्स नाइट से ज्यादा अपनी अपकमिंग फिल्मों के बारे में बात करते नजर आए फिल्म इज नॉमिनेटेड इन 3 कैटेगरीज बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट फिल्म and best supporting actor. After Fugly, I'm not authorized to say what's next, but very soon you'll be hearing some good news. Again, a Bollywood film next, but I can't disclose anything right now. I'm very excited for Bangtor. Ritesh Deshmukh's in it, and I love him. He's a fabulous actor. And we also have Vivek Oberoi, so I get to work with people who've been in the industry for a long time. लेकिन इन न्यूबी एक्टर्स में एक एक्ट्रेस ऐसी भी थी जो अपकमिंग तो नहीं लेकिन अपनी पिछली फिल्म हमशक्ल्स के सवालों में ही घिरी रही अभी फिलहाल कुछ नहीं जो हम अनाउंस कर पाए आपको कोई ऐसा रिग्रेट है या नहीं मतलब मैं बहुत खुश हूँ ऑफ कोर्स आई मीन आई एम लिटिल अपसेट बिकॉज फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था हम लोगों ने कुछ भी हो जैसे बोलते हैं कि हर माँ को अपना बच्चा अच्छा लगता है वैसे मेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस फिल्म का पार्ट थी बट हर एक को आई थिंक बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिल्म अच्छी लगती है बुरी लगती है वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बींग इंसेप्शन हॉलीवुड फिल्म काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आई काफ़ी को पसंद आई मैं कंपेयर नहीं करी बट बोल रही थी मुझे अच्छा लगा कि वो फिल्म है एंड आई एम रियली हैप्पी कि नॉमिनेट हुई साजिद की नेक्स्ट फिल्म ऑफकोर्स साजिद अगर मुझे ऑफर करेंगे मैं ज़रूर करना चाहूँगी और इन सवालों में ईशा इतनी कंफ्यूज हो गई कि हमारी विश को भी कैमरा के लिए रिपीट करने लगी खैर इसके अलावा एक और टॉपिक पर भी ईशा हो गई स्पीचलेस और वो था आमिर खान की फिल्म पीके के लेटेस्ट पोस्टर से रिलेटेड ये सवाल आमिर खान तो आई थिंक दे विल ऑलवेज बी अ ट्विस्ट आपने शायद एक फिल्म करा भी है जैसे आमिर खान ने किया है बहुत यू नो अच्छे से किया है बट लड़कियों के आई डोंट थिंक मैं बस एक चीज रख पाऊंगी ना वैसे आमिर के पोस्टर को लेकर तो इस रेड कार्पेट पर आए सभी सेलेब्स ने दिए अपने अपने रिएक्शन बिना कपड़ों के आमिर खान पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो एलियन है उसके अलावा आप क्या जानना चाहेंगे कमाल का पोस्टर है उनकी बॉडी कमाल की लग रही है और शॉक वैल्यू भी है लेकिन साथ साथ उसमें एक रिलीज भी है क्योंकि मुझे पता चला है कि वो किसी तरह के इस तरह के फीचर हैं जो कहीं और से आए हैं तो फिर वो कपड़े पहन के कैसे आते तो लॉजिकल भी है शायद फिल्म का कोई सीन ही होगा इस तरह से शायद ही उतरे ही होंगे कहीं से रेडियो और बिना कपड़ों के
मुझे ऐसा लगता है कि जब तक फिल्म का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तब तक ये सोच लेना कि ये आमिर खान को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये वक्त से पहले है। और मैं बहुत ही श्योर हूँ कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं होगी, ये एक फैमिली फिल्म होगी, पूरे देश की जनता इसे देख के बहुत सराहेगी, ऐसा मैं। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा? इट्स वन ऑफ आवर बेस्ट एक्टर्स, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट। आई थिंक इट विल बी ग्रेट, पीके विल बी अमेजिंग। ओह, आई रियली लाइक इट। इनफैक्ट आमिर खान पीके लुक्स डैम इंटरेस्टिंग, स्पेशली विद द ट्रांसिस्टर। ही इज ऑलवेज। और साथ ही आमिर की तरह किसी फिल्म के लिए स्ट्रिप करने या ना करने के अपने प्रेफरेंसेस भी बताए। लेकिन मस्त से ईशा का ये रिएक्शन हमारे लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था। I'm not gonna be a stripper in the movie, if you're trying to ask that. बट जैसे आमिर खान ने किया है बहुत यू नो अच्छे से किया है, बट लड़कियों के आई डोंट थिंक मैं बस एक चीज रख पाऊंगी ना। बट कुल मिलाकर आमिर के पोस्टर को लेकर इन सेलेब्स के रिएक्शंस ने ही इस रेड कार्पेट पर लूटी सबसे ज्यादा लाइमलाइट। चिरुचि महतपुरकर, गोरे, जिंग, मुंबई। जानवर बोलता भी, मैं जानता हूँ कि आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि ये बोल सकता है कि हाँ? अभी बताता हूँ आपको, एंटरटेनमेंट स्टॉक मार्केट में क्या बढ़ा बताओ, भाव भाव बढ़ा। जैसे कि आपने सुना स्टॉक मार्केट में भाव बढ़ा। एंटरटेनमेंट इंसान को किसी चीज में क्या नहीं रखना चाहिए, भेद भाव, भेद भाव नहीं रखना चाहिए। वेरी गुड, अब आपको विश्वास होगा। बस बेटा अभी कुछ नहीं पूछा। फिल्म एंटरटेनमेंट में डॉग्स के साथ काम करने के बाद ना सिर्फ अक्षय कुमार बल्कि इस फिल्म की पूरी टीम बन गई है डॉग लवर। यही है पन्नालाल जोहरी के वारिस, इनका नाम एंटरटेनमेंट है। और रिसेंटली अक्षय, तमन्ना और प्रोड्यूसर रमेश तौरानी नजर आए एक एनिमल वेलफेयर ग्रुप यूथ इन डिफेंस ऑफ एनिमल्स के एक स्पेशल चैरिटी कॉज के लिए, जहां फिल्म में यूज हुई कई कॉस्ट्यूम्स को ऑक्शन के लिए रखा गया था, जिसके प्रोसीड्स यूज किए जाएंगे स्ट्रे डॉग्स के वेलफेयर में। ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है वेयर वी जस्ट पुट ऑल आवर क्लोथ्स, हमारी फिल्म की जितने भी कपड़े हैं सब डाले हुए हैं, जो आके लेके चला जाए। और अभी सुबह ही शुरू किया है, करीबन 1.5 लाख रुपए जमा हो चुका है। जिसने भी माँ का दूध पिया तो आए मेरे सामने। अबे मोबाइल टावर बुलाया था, ये सिम कार्ड कहाँ से आ गया? मुझे हमेशा लोग पूछते हैं कि आप जो फिल्मों में कपड़े पहनते हैं उसके बाद उन कपड़ों का होता क्या है, कि हम जो पिक्चरों में कपड़े पहनते हैं, इफ़ यू कैन ऑप्शन इट एंड इफ पीपल कैन बाय इट एंड वी कैन कलेक्ट मनी फ्रॉम इट, इट कैन बी गिवन आउट टू एनिमल्स हु रियली नीड दैट मनी। और अक्षय ने इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए खरीद ली ये डेनिम जैकेट, जिसे उन्होंने फिल्म के एक सीन में खुद ही पहना था। मैं भी एक चीज मैंने भी खरीदी है क्योंकि ऑब्वियसली So this is the thing which I'm going to be buying. So ma'am, I'm buying this. Lovely. Come, this is your check. Thank you so much. Well, तो ये रहे some celebs in support of man's best friend. Let's hope others too follow in their footsteps. I'm going to make sure I do it in every film. ये मेरे लिए पहला experience है. अक्षय ने दी अपने वुमेन सेल्फ डिफेंस सेंटर पर अपीयरेंस। I have come here and met them for the first time, and today actually being their graduation day, so I thought this was a perfect time. वुमेन स्टूडेंट्स के ट्रेनिंग सेशन को भी ऑब्जर्व किया अक्षय ने। आखिर में कई सारी वुमेन स्टूडेंट्स को अक्षय ने दिए सर्टिफिकेट्स। लेकिन इस पूरे इवेंट पर वुमेन सेल्फ डिफेंस के बजाय किसी भी और टॉपिक पर बात नहीं की अक्षय ने। एक बात बताइए, उससे सेल्फ डिफेंस से क्या लेना?
आप ऐसी बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री क्लास में आइए या आके मराठी के क्वेश्चन पूछने लग गया। यहाँ तक कि अपनी सून टू रिलीज फिल्म एंटरटेनमेंट को भी यहाँ बिल्कुल प्रमोट नहीं किया अक्षय ने। मैं इससे कोई रिलेटेड नहीं, उसके बारे में उस वक्त ही बताया। बस पूरे टाइम सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स को लेकर अपनी डेडिकेशन दिखाते रहे अक्षय अपनी बातों में। मेरे करियर में 24 साल हुए मुझे, मेरा आज तक कभी किसी को हाथ नहीं लगा व्हाइल फाइटिंग और व्हाइल डूइंग स्टंट, बिकॉज फॉर मी सेफ्टी कम्स फर्स्ट। आई रिप्रेजेंट कुडो एंड आई टेल पीपल टू लर्न दैट एंड व्हाट दीस गर्ल्स आर लर्निंग आल्सो इज बेस्ड ऑन लॉट ऑफ मार्शल आर्ट एंड इजरायली वे ऑफ डूइंग इट। आप स्ट्रीट पे अगर कोई पत्थर देखते हो, दैट हैज टू बिकम योर वेपन। हाथ में कीचेन है, दैट हैज टू बिकम अ वेपन। एवरी गर्ल हैज बीन गिवन, एक सीटी दी गई है, दैट कैन बी योर वेपन। लेकिन आखिर में रिसेंटली एक टैलेंट शो पर मनीष पॉल को इंजर करने की बात पर अक्षय जरूर हो गए डिफेंसिव। अच्छा, मनीष पॉल इंजर हो गया? वो तो अभी आ रहा है मेरे को मिलने। वो इंजर्ड आ रहा है, वो दूसरा बेल्ट लेके आ रहा है। वही बोला ना, आपको मजा आता उड़ाने का। है कुछ भी नहीं, वो बेचारा आ रहा है अभी, बल्कि मेरे को मिलने ही आ रहा है थोड़ी देर में। कहाँ उड़ा, कहाँ लगी, कुछ नहीं हुआ ऐसा। झूठ बोले ना जी। चलिए, मनीष को इस शो के दौरान चोट लगी या नहीं ये तो मनीष ही जाने, बट वी होप कि वुमेन सेल्फ डिफेंस सेंटर शुरू करने का अक्षय का ये इनिशिएटिव सारी लेडीज के लिए जरूर हेल्पफुल साबित हो। अब तो हम गले मिलते हैं, दोस्ती है, प्यार है, सब कुछ है, ये सब खत्म हो गया। शाहरुख खान ने भी एक कदम आगे बढ़ते हुए बढ़ा दिया है सलमान की तरफ दोस्ती का हाथ। अच्छा, मैं एक बात बोल देता हूँ यहाँ पे, ये सवाल पुराने हो गए यार। अब तो हम गले मिलते हैं, दोस्ती है, प्यार है, सब कुछ है, ये सब खत्म हो गया। बस खुश, everyone's happy. Seriously. यहाँ पुरानी रंजिशों को भुलाकर शाहरुख और सलमान दोनों ने ही एक नई दोस्ती की शुरुआत कर दी है, जिसमें पहला कदम सलमान ने बढ़ाया। Can we say that you are the new king of Bollywood? I think you should be saying that. You can say what you want to say, man, but there is a king there anyway, so you can be the king, na? You got a problem with him being the king? No, I don't have a problem with him being the king. Talking about Shahrukh, right? No, I'm not talking about Shahrukh. I didn't mention Shahrukh. Yeah, but my question is... I'm mentioning him. If he's a king, then he should be the king. Keep him there. Okay. Yeah, that's a good position. और अब जवाब देने की बारी थी किंग खान की, जो काफी पॉजिटिव था। सलमान भी अच्छी खासी स्केचिंग आती है उनको, क्या उन्होंने आपको एक भी दी गिफ्ट में दी है, एक भी स्केचेस वगैरह बना के? अच्छा, we'll move on to a more pertinent question. Genuinely, इतनी खूबसूरत आवाज से ये सवाल पूछोगी तुम यार? अब तो हम गले मिलते हैं, दोस्ती है, प्यार है, सब कुछ है, अब ये सब खत्म हो गया। शाहरुख खान को सलमान के बारे में यूं खुलकर बात करते हुए हमने स्पॉट किया एक लाइव रियलिटी शो के अनाउंसमेंट पर, जहां दो कंटेस्टेंट्स ने अपने टैलेंट के जलवे भी दिखाए। Take your hands, turn them so your thumbs are pointed down, your palms are facing outwards. Take your left hand, cross it over your right hand, lock your fingers nice and tight. On the count of three, everybody do what I do. Here we go. 1, 2, 3. And now, an illusion. First of all, thank you, Darcy. This is wonderful. Fantastic. He got me out of thin air. And main bhi apni ek magic trick karne wala hoon. I'm going to make Darcy vanish because I don't like anyone being on stage with me, okay? Darcy, vanish! Big round of applause! Gilly, 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 gilly. डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है सोनिया, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
How fantastic is this, yeah? इन दो टैलेंट्स का कमाल देखने के बाद किसी ने यहाँ SRK से आमिर खान के इस टैलेंट पर सवाल पूछा. We saw a new brave talent of Mr. Amir Khan today. Have you seen the posters? What do you have to say? And do you think nudity has come of age? All right, तो इस सवाल पर शाहरुख का रिएक्शन कईयों को सरप्राइज कर गया. We saw a new brave talent of Mr. Amir Khan today. Have you seen the posters? What do you have to say? And do you think nudity has come of age? All right, this you know, just take questions with me, the property. Don't go there and say that's a talent, okay? Well, SRK सही हैं या गलत ये तो आप आमिर की फिल्म BK का पोस्टर देखकर खुद ही डिसाइड कीजिए. But we must say आमिर को शाहरुख का ये कमेंट शायद पसंद ना आए. उम्मीद करते हैं कि अब शाहरुख के इस कमेंट से दूसरी खान वॉर फिर से ना शुरू हो जाए. बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय. For मौली सिंह, ZING मुंबई. से एक लंबा ब्रेक लेने के बाद मुग्धा इज बैक ऑन द सेट्स और रिसेंटली हमने मुग्धा को स्पॉट किया ऑन द सेट्स ऑफ हर अपकमिंग फिल्म इश्क ने क्रेजी किया रे. वैसे यहाँ मुग्धा ने रिवील किया कि वो चाहती हैं कि उनके लाइफ में भी कोई हो जिनके इश्क में वो क्रेजी हो जाए. I know your question, where is heading, but yes, I will be crazy for someone who I'm supposed to be crazy, but that crazy person is not in my life right now, but yes, would love to be crazy soon. Moving on, Mugdha ne bataya ki just how crazy her role in the film is. Sare log crazy ban rahe hain aur main ek producer ke bataur crazy ban rahi hu because I play a producer of a big music channel or a music house and there's a big show happening and there are singers and everything. She I play a character called Isha and she's a very successful producer and how she manipulates her power and how she falls in love and how she when love prevails nothing else matters but then it's a interesting story of power and love. Yeah. Well, to ye rahi Mugdha Godse on the sets of her upcoming film Ishq Ne Crazy Kiya Re. Good luck to her for this comeback film. That's all for now. You stay tuned with us as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinsel Town exclusively on Zing.